मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफ़री और आप देख रहे हैं एजेंडा 360 वेलकम टू एजेंडा 360 एक पहले साल के अंदर डगमगाती हुई मीशत जिसका वो इल्ज़ाम पीटीआई भरपूर तौर पर पीएमएल एम पर और इनकम्बेंसी पर डालती है लेकिन बहरहाल उसका जो एक्चुअल इफेक्ट है ऑन द ग्राउंड वो पीटीआई पर ही हो रहा है उस डगमगाती हुई मीशत के अलावा एक इंटरनल पॉलिटिकल सूरत हाल कुछ ऐसी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात पर यकजा हैं कि ईद के बाद यानी कि आने वाले दिनों में एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होनी है इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को मजीद तड़का लगाने वाला एक इशू जुडिशल रेफरेंस जिसको ने एक न्यूट्रल ग्राउंड दे दिया है पी टी आई का इज़ फेसिंग अ वेरी हॉट समर इस हवाले से हम बात करेंगे आज पी टी आई की जो मुतहद जमातें हैं जो इतिहादी जमातें हैं उनसे भी बात करेंगे हम पहली सेगमेंट में लेकिन जो उनके सबसे नुमायाँ अपोजिशन है उनसे बात करेंगे हमारे मेहमान हैं व प्रबल टू बी जॉइन बाय द फॉर्म गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब स्टूडियो में हमें जॉइन कर रहे हैं थैंक यू अहमद पी एम एन एन को रिप्रेजेंट करेंगे और इसी सेगमेंट में चौधरी मंजूर साहब हमें पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे यही दो वो मेजर अपोजिशन जमाते हैं जो एक पेज पर पे, उस इस न्यूट्रल इशू से पहले ही नज़र आई थी अब ये तो की जाती है कि अगर जद्दारी साहब का अरेस्ट और शहबाज शरीफ़ साहब का वापस आना और मुमकिन उनका भी अरेस्ट या फिर उनका उनके लिए मजीद फ्रिक्शन तो इनको मजीद यकजाक करेंगी रेफरेंस जो है वो एक मज़ीद न्यूट्रल इशू है भी ज़ुबैर साहब ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की रिस्पॉन्स में पी टी आई पी टी आई की जो पोजिशन रही है वो यही है कि सर ये सारी गलतियाँ आपकी हैं सारी चोरियाँ आप लोगों की हैं इस मसले में हम आप लोगों की वजह से डॉलर को आपने कंट्रोल किया हुआ था हमारा माशी मार्कर वैसे यही है कि डॉलर और रही बात आप लोग अभी शोर क्यों मचा रहे हैं क्योंकि सब लोग अपनी चोरियों की वजह से पकड़े जाने वाले हैं दो चीज़ें एक तो ये है कि मेरा ख़्या जैसे जैसे वक्त और गुजरता चला जाएगा और और ज़्यादा मीशत ख़राब होगी तो ये जो नैरेटिव है ना बयानिया पी टी आई का जो दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा दिया गया है हमें गए हुए एक साल से ज़्यादा हो चुके हैं एक साल से ज़्यादा आपने कभी किसी मुल्क में ये सुना है कि एक साल के बाद पिछली हुकूमत को कह रहे हो कि जी उनकी वजह से हम इस मुसीबत में उस वक़्त मुसीबत नहीं थी उस वक्त महंगाई नहीं थी आपके आने के बाद महंगाई हुई है आपके आने के बाद ग्रोथ आदि हो गई है और तमाम इंडिकेटर्स खराब हो गए सो so, एक तो यह है कि ये बयानिया बिकॉज दे वर नॉट प्रिपेयर्ड और अगर ये हकीकत है कि हमारी वजह से हुआ है तो फिर जुलाई की 9 तारीख को 2018 को जब आप अपना मैनिफेस्टो अनवील कर रहे थे उस वक्त तो आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे थे किस बात को कि आप लोगों ने सब खराबियाँ की हाँ भाई आपके पास कौन सा फैक्ट नहीं था कौन से इंडिकेटर की मालूम नहीं थी कौन सी चीज़ छुपी हुई थी करंट अकाउंट डेफिसिट का सबसे बड़ा रीज़न कहते हैं ना तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या पता नहीं था आपको कि कितना अमाउंट है और, अगर आप और उसको ठीक करने के, के लिए क्या जरूरत होगी और इतनी तबाही होगी कि के आप कहेंगे कि के अगले दो तो, तीन चार साल तक रहेगी और वक्त गुजरने के साथ। नहीं, आते, आते वक्त था कि एफ के पास नहीं जाएंगे जी, नहीं, आते वक्त अगस्त की उन्नीस तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाद ये तकरीर में कहा पूरी कौम के साथ सही कह रहे थे मैं नहीं जाऊंगा आईएमएफ के पास अब वो नहीं अब ये तो उनका आपस का झगड़ा है मैंने नहीं नहीं वैसे देखें एक और चीज़ भी आपको देख दी कि उनका ये कहना है कि जब वो अब इकतदार में नहीं थे तो उनको अंदाज़ा नहीं था कि आपने कितना जो है ना मामला को बिगाड़ा हो मैं आपको तो मैं सिर्फ ये बता 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 दूं, दूं। कर मैं मैं एक थोड़ी सी के साथ रहा हूं। आपको ये मैंने एक आर्टिकल लिखा अभी कुछ दो हफ्ते पहले द न्यूज़ में उसमें मैंने ये लिखा कि उनको क्या नहीं पता था और क्यों नहीं पता था और मैंने सारे फैक्ट्स लिखे आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर थे आप फाइनेंस कमेटी के मेंबर थे नेशनल असेंबली या सेनेट के आप इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन के मेंबर थे फाइनेंस कमेटीज के एज कमेटी मेंबर्स वहाँ तमाम अहदेदार आते हैं चाहे गवर्नर स्टेट बैंक हो चाहे सुई सदन का एम हो चाहे ओगरा का एम हो और प्लस

आप मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आप रिसर्च कर लें भुट्टो साहब की जब हुकूमत दिसंबर में आई थी उससे ज़्यादा खराब हालात तो नहीं हो सकते ना। हो चुकी है, है, है तेरह साल मिलिट्री की हुकूमत रह चुकी है आप उठा के देख लें मई सन बहत्तर या जून सन बहत्तर के कभी पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हो तेरह साल तबाहबल टू यू है जो भी है

लोहा मजीद गर्म किया जा रहा है उस हवाले से खास तौर पर पीपल्स पार्टी कीन है आपके चेयरमैन जो खास तौर पर कीन है सर मेरे ख्याल से वो हेड कर रहे हैं ये एंटी इस्टेबलिशमेंटेरियन नैरेटिव क्या क्या कहना है आपका वट यू सी हैपनिंग कोई डेट फाइनलाइज होगी या पहले आपका इंटरनली आप फाइनलाइज करेंगे दस तारीख को मीटिंग है इनकी नहीं देखिए मैंने मैंने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीटिव कमेटी की मीटिंग बुला ली है दस तारीख को हम सब जा रहे हैं जो सेंट्रल एग्जीटिव कमेटी के मेम्बर्स हैं हम बैठेंगे और 10 कोई डेट है अब देखें ना दो नैरेटिव्स हैं एक ये है कि ये कह रहे हैं कि चूंकि ये गिरफ्तारी हो रही है तो इसलिए ये शोर मचा रहे हैं एक ये नैरेटिव और इनका इस वक्त गिरफ़्तार करने का मकसद भी ये है कि हम गिरफ्तार कर लें और सारी जो बहस है या सारी तवज्जो है वो उधर ले जाए और हमने जो वारदात करनी है उस पर कोई बात ना करे जो टैक्सेस 1100 अरब रुपए के टैक्सेस लगने वाले हैं बल्कि मेरे नज़दीक 500 अरब रुपया जो जो शॉर्टफॉल है वो भी तो रिकवर होना है तो ये 1600 सो बन जाता है अगर वो 500 सौ साढ़े सात तो ये मान रहे हैं साढ़े तीन सौ अरब रुपया बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करके लेना है इन्होंने और फिर उसके बाद पाँच अरब रुपया जो पिछला रिकवर नहीं होना वो भी नहीं हुआ वो भी अब मुझे ये बताएं चलो आप सारी जितनी गालियाँ इनको आती हैं वो दे दें हमें पांच सौ अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल आया है इस साल के जो रिकवरी के अंदर जो कहते थे कि ईमानदार की आदत आएगी तो लोग लाइनों में लगकर टैक्स देंगे तो वो तो लोगों ने जो दे रहे थे वो भी नहीं दे रहे इसका मतलब लोग समझ रहे हैं कि ये तो कोई ईमानदार की आदत नहीं है जिसको ये सारा दिन गालियां देते हैं चोर कहते हैं डाकू कहते हैं हमने एक हजार अरब रुपए पे रेवेन्यूज उठाए थे हम 1950 पे ले गए थे ये सबका हुकूमत जो है वो भी अड़तीस सौ पे ले गई थी इनका शॉर्टफॉल कम हो गया है बाहर से कहते थे डॉलरों की बारिश हो जाएगी उल्टा उसमें कमी आ रही है जो एक्सपोर्ट्स है उसमें कमी आ रही है सारी चीज़ें इनकी ख़राब है इंडिकेटर उबैर साहब ने बताया मुझे ये बता दें कि चलो अगर इस पर यह राज़ी हैं तो ये कहें ये तेल गैस और बाकी जो टैक्से लगा रहे हैं, वो ना लगाए और ये यहाँ पे ऐलान कर दें जो भी साहब है यहाँ पे बैठे हुए और जितनी गालियां आती है हमें देनी है दे ले, हम वो भी कबूल कर लेंगे चूंकि सवाए झूठ बोलने को और गालियां देने के और तो इनको आता कुछ नहीं है अगर ये करना चाह रहे हैं तो मुझे कहते हैं मैं यहाँ पे पीपल्स पार्टी का एक जिम्मेदार होने के नाते कहता हूं कि हम दस तारीख को जरदारी साहब की बेल वापस ले लेंगे ये यहाँ पे ऐलान कर दे कि हम गैस भी सस्ती कर रहे हैं बिजली भी सस्ती कर रहे हैं टैक्स भी नहीं लगाएंगे हम साहब की गिरफ्तारी है ना सॉरी ऑन दी इकोनॉमिक फ्रंट सर ये बड़ा आसान है ये पॉपुलस बातें करना लेकिन हमारी कुछ बुनियादी हक़ हैं जिनसे हम मुनहरफ रहे हैं हमारा टैक्स बेस नैरो है हम नॉन फाइलर होने को इंसेंटिवाइज़ करते हैं हर पाँच साल में एम लाते हैं आप लाए जुबैर साहब लाए अब ये लोग ले आए हैं लॉन्ड्रोमैट वाली तब्दीली वाली एम हम इंक्रेज करते हैं टैक्स फाइलर्स ना बनना हम रियल एस्टेट सेक्टर को ढका और जानबूझ के छोड़ते हैं क्योंकि हमारे जो एक्चुअल पावर सर्कल्स हैं वो सब उससे मुफीद हैं हम गाड़ियाँ ख़रीदने देते हैं नॉन फाइलर्स को सर टैक्स और नहीं लगेंगे तो क्या होगा चीज़ें सस्ती कैसे होंगी आप मकरूज़ हैं एक इंटरनेशनल लेंडर के उससे पैसे लेते हुए उसको आँखें दिखाते हैं पैसे वापस देते हुए अपने लोगों को आँखें दिखाते हैं गुर्बत ख़त्म करने के जो फैक्टर्स हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको बढ़ाने से कतराते हैं तो सर इस तरह तो मतलब हॉलों स्लोगन्स पर तो फिर मैशत नहीं चलती मुश्किल फ़ैसले करने तो हैं अब वो बेहतर तरीके से करने हैं या मजीद टैक्स फाइलर्स के गले दबा के करने हैं आई थिंक उस पर तनकीद होनी चाहिए इस पर नहीं कि टैक्स में लग जाएंगे और महंगाई हो जाएगी वो तो होनी ही है क्यों नहीं? नहीं, ये क्या आर्गूमेंट हुआ जी हम जो जिनको ये कहते हैं कि वो चोर थे वो डाकू थे उन्होंने डबल कर दिया रेवन्यूज और ये जो आ गए हैं जो पैगम्बराना सहीफे लेकर आ गए हैं उनके उनके वो लोग शॉर्टफॉल हो रही है पांच सौ अरब रुपए की बजाय इसके कि यह कहते थे आठ हजार अरब रुपये पहले साल ले जाएंगे और लोग लाइनों में लाकर टैक्स देंगे पहले तो टैक्स देते मैं मैं आपको मैं 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 आपको 200 अरब डॉलर मैं आपको, मैं आने आने मैं आपको ना ये मेरी तो सुन लेना वो दूसरी नहीं नहीं वो दूसरा इशू है वो दूसरा इशू है आपने आप दो तरीके हैं ना जो टैक्स दे रहे हैं पे बोझ डाल दें या टैक्स बेस को आप वाइड कर दें इनका ख्याल था कि हम आएंगे तो टैक्स बेस बढ़ाए अगर ये बात तो, सुन अगर 500 अरबर वो रिकवर, बात तो सुन लेना बात दिस सुन लेना अगर अरब अरब रुपया रुपया वो रिकवर बात सुन लेना करते और 500 अरबर जायद रिकवर कर लेते या टैक्स इनको आ जाते ना आई एम एफ के पास जाने की जरूरत थी ना कोई नए टैक्स लगाने की जरूरत ठीक है तो ये चीजें जो है ये सारी ऐसे नहीं हो ये बात तो अपनी जगह जो कर रहे हैं वो मेरिट्स पे आई डोंट डोंक हम कंक्लूजन पे पहुंच सकेंगे लेकिन एक बात है कि एक इन्होंने बात सही की कि वहां आर दे गोइंग टू टू बी एबल सेल टू द पब्लिक बेटर कि देखें कमर कसें ईमानदार की आदत आ गई है आपको यह बुरा वक्त गुजारना है क्योंकि पिछले हुक्मरानों ने चोरी की गलत पॉलिसीज की आप थोड़ा इंतजार करें बेहतरी आने को है या ये नैरेटिव बिकेगा जिसके साथ वो ये भी कहते हैं फिर कि आप लोग सिर्फ इसके शोर कर रहे हैं क्योंकि आपने अपनी चोरी बचानी है ने, ने, तो, ये आ, तो तो एक पीटीआई का नैरेटिव बाय बाय कर दिया आपने नहीं नहीं मैं आपको कैसे आपके सवाल में ही वो है पहली बात तो ये कि अभी शुरुआत नहीं हो रही है अभी साल तकरीबन खत्म हो गया सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट हाउ बैडली दे नहीं, so नहीं, ये नहीं, कहना कि वो दिन की बात की थी मुसल दिनों की बात नहीं नहीं वो, नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, हाँ, वो ठीक है लेकिन मैं एक साहब ये तो उनका नैरेटिव है ना आपने लोगों को ये बताना है कि ये आपका मसला है इनकी इनकॉम्पटेंस इनकी नालायकी की वजह से आपका जो है वो डे टू डे लाइफ अफेक्ट हो रही है आपका फ्यूचर अफेक्ट हो रहा है अब इन दोनों नेरेटिव में पब्लिक को अपील अपील कौन कौन सा सा वाला करेगा? लेकिन तौर पे तो ये सवाल है। सबसे चीज़ है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर खुद खड़े अपनी तमाम इकोनॉमिक टीम के मेंबर्स को निकाल देते हैं फायर कर देते हैं तो उसका क्या मतलब आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उनको तमाम जो टॉप प्लेयर्स हैं तमाम उनको निकाल, 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 निकाल और जी ये तो है कप्तान का लेकिन वो भाई क्यों दिया जावेद मियादाद है? को कभी निकाला था इमरान ने को निकाला आप, आप, था आप है का जो लिहाजा लिहाजा लोगों को जब ये बात आपकी समझ आएगी तो वो ये समझेंगे खान साहब ने वाकई में बट विल हिम पे फर और खान साहब ने अभी तक नहीं निकाला किसको सीएम पंजाब नहीं नहीं डिफाइन नहीं, 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 कर मुताबा ये मतलब कर, ये जुबैर साहब हो रहा है कि आप ऊपर चुके केसेस है तो आप कहे फ्लोर पे खड़े होकर के महंगाई नहीं हो रही बेरोजगारी नहीं बढ़ रही टैक्स इन्होंने बहुत इकट्ठे कर लिए हैं बाहर से डॉलर बहुत आ रहे हैं दूध की नहरे ये 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 हमें हमें ये कह रहे हैं ना कि चूंकि हम हमारे ऊपर केसेस हैं केसेस तो इनके ऊपर भी हैं सत्रह केसेस तो केपी के के हैं बाकी बताएं सुबह सिंध से लेकर पंजाब से लेकर मुझे ये बता दें दे कौन है। सी है यही यही इश्यू है ना कि अगर अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर चलाने हैं केसेस को लदा कर दें और सारे एक जैसा चला दें एक जैसा कर दें हमें क्या जुबैर साहब से भी दोनों से सवाल मेरे ख्याल से जुबैर साहब पहले अगर जवाब दे दें सर ये पिछले बीस साल से जो बजट पर तनकीद होती आ रही है, अवाम है, अवाम दुश्मन है। इसके अलावा इस, इस सतई सी तनकीद और दो तीन उधर छालने के अलावा क्योंकि सवाल, तो, ये सवाल यह कि आज आप लोग शायद तनकीद नहीं कर पा रहे क्योंकि उस तनकीद का रिसेप्शन नहीं है अवाम में उनको उनको अगर हमारी तनकीद ना होती जी और भरपूर अंदाज से ना होती और इतनी तबाही से ना होती इनके ऊपर तनकीद तो इमरान खान खुद तो नहीं उठ के कहते कि जी हमारी इकनॉमिक टीम इतनी खराब है कि उन्होंने निकाल दी जब हमने उसको ड्रम अप किया री इनफोर्स किया बार 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 कि वो एक एक्सेप्टेड फैक्ट बन गया और उन्होंने कहा कि जी इनको निकाले बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट चेयरमैन को दूसरी चीज ये पाकिस्तान आप खड़े हुए मुझे भी नहीं पता था आज डॉलर होना दूसरी बात आपने कहा कि ये बजट ये बजट मुख्तलि होगा पाकिस्तान की तारीख में कोई बजट नहीं आया जिसमें छत्तीस फीसद अवाम पर टैक्स एडिशनल टैक्स लगाने की बात की आज तक तो छत्तीस फ़ीसद लगाने का मतलब ये है कि ऑल एकरस पता नहीं आप लोग बच जाएंगे वो और बात है आप लोगों की माशा सैलरीज बहुत है बट हमारे जैसा आदमी और लोअर मिडल क्लास और नीचे के मासज़ और आपको मैं ये भी बता दूँ आपके नाजरीन को कि इकतालीस लाख लोग इकतालीस लाख लोग की लकीर से नीचे जा चुके हैं पिछले नौ महीने में अनदर 52 लाख लोग

उससे से ज़्यादा ज़्यादा बात है। सुन ले बाग दावे किए हुए थे उन पे अमल दरामद करा दें अगर हम इनको इनके वादे याद करवाते हैं कि आप लोगों ने यह कहा था कि आठ हजार अरब रुपया टैक्स इकट्ठा हो जाएगा लोग ईमानदार आएंगे एक ये तरीका है कि टैक्स बेस नीचे से बढ़ाकर टैक्स टैक्स कलेक्शन बढ़ा दें डेफिसिट कम हो जाएगा दूसरा तरीका ये है कि कर्ज कर्ज पे कर्ण लेते जाएं। जैसे ये ले रहे हैं और लेते फिर, फिर, फिर मुझे नहीं लग रहा नहीं नहीं हम तो लेते आए ना हमने लिया लेकिन, तो लेकिन इतना पहले नौ महीनों में किसी ने कर्ज नहीं लिया समझ के कर्ज लिया है ना मसलन तीन तीन अरब डॉलर तीन अरब डॉलर जो है वो ले नहीं तीन अरब डॉलर सऊदी अरब से तीन अरब डॉलर का उधार तेल तीन अरब डॉलर यूएई से तीन अरब डॉलर चाइना से और छह अरब डॉलर ये जरा मुझे बता दें आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी ने पहले नौ महीनों में लिया हो मुझे ये बता देर एक मेरा आर्गूमेंट ले सात शारिया सात अरब रुपया रोज नून लीग की गवर्नमेंट ले रही थी कर्जा हम पांच का ले रहे थे क्या नून लीग डिफॉल्ट कर गई थी कि ये पंद्रह अरब रुपया रोज का कर्जा लेकर भी पूरा नहीं कर पा रहे so, इसका मतलब कहीं पे प्रॉब्लम है उसको एड्रेस नहीं कर रहे सिर्फ गालियां दे रहे हैं खड़े हो कर कर ये ये बात बात ठीक है लेकिन सेकंड सेकंड सर एक मैं मैं कह रहा हूं कि आप ये नहीं बता पा रहे मुझे कि ये चीज आवाम को अपील क्यों करेगी अभी जब एक साल गुजरा है उन्होंने पांच साल के लिए अलग किया है आप इस चीज को बेचेंगे किस तरह आप आप कर लें जिस जितनी भी बेचने का इश्यू ही नहीं है जो जो बंदे का जो बंदे का बिल आ रहा था जो जो एक हजार रुपया आ रहा था जब वो तीन हजार आएगा तो उसको समझाने तो की जरूरत है गैस का बिल जिसका जिसका आ, सही है जिसका आ, आ आ रहा I, I नहीं नहीं मुझे मुझे ये बताए उनको जि, जिसका एग्रीकल्चर सेक्टर बैठ गया है सारे का सारा थीक थीक जिसको एक सौ छब्बीस रुपए डीजल लेना पड़ रहा है ट्रैक्टर के लिए और उसको समझाने की जरूरत है कि आपके पास महंगाई होगी उसको ज्यादा पता ऐसी जो आपके सब कुछ को बड़ा आसान करता है अब एक बात बताएं मैं जुबैर साहब से भी इसका जवाब लूंगा हम फिर इस सेगमेंट को रैप अप करना है आपकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तरफ जाते हुए आपका इंतहाई डिमांड क्या होगी ये गवर्नमेंट रिटर्न हो हम इलेक्शंस की तरफ वापस जाएं, इन हाउस चेंज हो, जाए नो 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 पहला दे, देखे, देखे, पहला पहली बात ये है कि हम इनको इनको कहेंगे कि आपको मैंडेट मिला है चोरीशुदा या जो कुछ भी है हमने उस वक्त भी कहा था द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट लेकिन हम अगर पहले दिन पीपल्स पार्टी चाहती तो ये तो हुकूमत क्या ये पार्लियामेंट ही वजूद में ना आती अगर हम भी बाइकआउट कर देते तो हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले लेकिन ये राय रास्पे आ जाए और अगर राय रास पे नहीं आते तो फिर सवाए इसके क्या चाह रहा है कि इनके इतहादी इनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं अभी उन्होंने ऐलान कर दिया कि तो कि अपनी 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 इनके में इजाफा किया है उसको ले लें अगर नहीं करें दोनों चीजें तो अब इम्पोसिबिलिटी आप मांग रहे हैं लिहाजा आप मांग के आ रहे हैं कि ये हुत जाए एक और इलेक्शन हो मतलब इस बात को मैं बेमानी ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब कोट दे रहे हैं वजी के लिए दिलचस्पी नहीं रखता वजी अजम के मतलब क्या क्या चाह रहे हैं आप लोग यू हम हम बड़ा क्लियर है देखें चॉइस इज वेरी सिंपल हमारे लिए और जेन चॉइस सीरियसनेस है उसमें बात यह है कि क्या आप बीस करोड़ अवाम को इनके सामने अगले चार साल तक रोस्ट होते हुए देख सकते हैं और इतनी गुर्बत फैल जाए कि अवाम के लिए रहना अब पॉलिटिकल पार्टीज़ रिप्रेजेंट उन ऑफ़ द पीपल ना अगर वो एस्पिरेशंस अभी तक भी आप पी टी आई के नुमाइंदे को ले लें आप पूछेंगे हालात क्या वो कहेंगे पिछला तो जब वो खुद नहीं बताने के लिए तैयार कि हम क्या करने जा रहे हैं वो पिछलों को देने के अलावा उनको आप कुछ नहीं आता इंतहाई डिमांड क्या है? हमारी इंतहाई डिमांड है कि खान साहब आए तोबा करें कि भाई हमारे से नहीं चल सकता और हमें माफ करें हमने बड़ी कोशिश की थी हम समझते थे बड़ा आसान है लेकिन हमें आगे पता चला है कि कितना मुश्किल होता है चलाना। वो तमाम अगर इत्तेहादी चले जाएं ये भी तो इन हाउस चेंज हो सकता है कितनी

दोनों पार्टी एक चीज कर सकती है बहुत आराम से अगर हम एक पार्टी को सिर्फ ले लें जिसकी छीटे एमक्यू एम है सिंध में इनकी हुकूमत है इन्हें फेडरल गवर्नमेंट में अगर एम को हटाना कितना आसान है अगर पीपल्स पार्टी उन्हें सिंध में कुछ दे दे और आप कल को फेडरल में आते हैं तो आप उन्हें कुछ वादा कर दें बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल है। एक तो एम क्यू एम का तो नॉटते हैं कि जी फ्यूचर किसके साथ तो बस पर आप ये चौस आप भी साथ दीजिएगा वैसा आप भी साथ दें हमारे साथ एम है BNP की रिप्रेजेंटेशन है ये जो इतहादी है ये कितने इत्यादी हैं हम पूछते हैं ब्रेक के बाद और फिर ये दोनों लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टीज हैं इनसे पूछते हैं वेलकम बैक हुकूमत मुखालफ तहरीक की हम बात कर रहे हैं ईद के बाद एक्सपेक्टेड है कि एक ए पी सी होगी जिसमें इस तरह का फ़ैसला किया जाएगा स्पेसिफिक्स तो अभी शायद हमें ना मिलें बट डेफिनेटली इंडिकेटर्स हमें मिल रहे हैं कि उस मीटिंग में क्या हो सकता है एक जो हदफ हो सकता है ए पी सी और जॉइंट अपोजिशन का वो मुमकिन ये भी है कि नए इलेक्शंस की जगह अगर एक आसान रास्ते की कोशिश की जाए जो कि आसान तो नहीं लेकिन कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान हो सकता है और वो सिर्फ बी और एम अगर ये अपनी तरफ कर लें तो ये हुकूमत जुबैर साहब जो है नहीं चल सकती तो इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी है <laughs> मतलब इवन <even>, uh, ट्रेजरी बेंचेस <laughs> <benches laughs> में ये बैठ नहीं पाएंगे फिर ऑल यू नीड इज एम क्यू एम एंड बी एन वेल ए, एम के तो एम, तो तो एक तो एम को इशारे भी मिलते हैं उधर उधर से सही है। वो तो बेचारे खुद, खुद फैसला साजी कम करते हैं उनको बताया जाता है कि आपने कहा खुश तो, 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 तो वो भी है। नहीं है

एन एफ सी अवार्ड नहीं करेगी जहाँ एक सूबे में ही सिर्फ तरक्की का काम हो मिसाल के तौर तो पर अगर बेनिफिट तो और आसान हो गया ना आपका एक सौ पठ बिलियन नहीं मिला सकते देने हैं ना सिंध को

उनको पीटीआई के साथ जो इतिहाद था वो उनके लिए बहुत महंगा होगा स्पेशली जब बजट पर पर वोट खास करेंगे और अगर वो। जब बजट के लिए आप वोट डालेंगे और आवाम के पास वापस आएंगे और आवाम उनसे सवाल पूछेगी कि हमारी ज़िंदगी इतनी अज़ाब क्यों कर दी गई है और ये कितने अरसे सिलसिला चलेगा तो चौधरी साहब फिर ज़ुबैर साहब के मुताबिक ये एम का अपना फैसला नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए तो सर बहुत नस्बता आसान है एम को मनाना पहले भी आप दस दफ़ा मना के जो है वो नहीं। जो कहते हैं वो करते भी नहीं है, लेकिन आप बना लेते हैं आजाद जमाने बात है सादा बात है कि बड़ा सिंपल है कि तीन चार इतिहादी जमातें जिनमें से तीन के साथ इस हुत ने पहली दफा तारीख में तहरीरी मददे किए हैं बी एन पी मैंगल के साथ तहरीरी मददा किया है एम के साथ तहरीरी मददा किया है और सूबा महाज जो है जनूबी पंजाब सूबा महाज उनके साथ तहरीरी माह किया है और काफ लीग है उसके उसके बाद ये चार चीजें हैं अब हम मुतालबा सा हमारा बड़ा मासूमाना सा मुतालबा है कि पी टी आई ने जो तहरीरी माहदे किए हैं उन पर अमल दरामद करें हम तो अभी ये नहीं उनको कह रहे कि आप हमारे साथ आए यानी कि सर यहाँ पंजाब एक सौ अरब रुपए कराची को दे वो भी नहीं और बलोचिस्तान के अंदर हाँ। खातर खा तब्लियां लाए और बराबर हमने तो नहीं किया था नहीं हमने तो मुआदा किया था उसको कैसे मेरी गुजारिश सुन ले बड़ी सादा सा है यहां पर चौधरी परवेज लाई साहब ने पंजाब में कह दिया है कि मैं बुजदार के जब बुजदार की तब्दीली की बातें हुई तो उन्होंने कहा मैं बुजदार साहब के पीछे में मैं मैं वही नहीं उस पर मैं हमेशा कहता हूं कि आप इसकी जितनी मर्जी तारीफ कर लें वसीम अक्रम की इतनी तजलील ना करें ना, ये, ये आपकी मेहरबानी तो है लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो उन्होंने कहा उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि मैं इसके पीछे दीवार की तरह खड़ा हूं अगर आप इसको पीछे हटाएंगे तो फिर दीवार सामने नजर आ जाएगी ना कौन है तो वो तो खड़े हैं तो वो फिर वही फैसला कौन वोट है उनके काफली के यहाँ पे अगर हुकूमत बनानी है या तब्दील करनी है उनकी मर्जी के बगैर ना तब्दील हो सकती है ना बन सकती है ना चल सकती है कोई एक एक दिन नहीं चल सकती एक बात दूसरी वाले बात आपके पुराने, ये दोस्त, हैं। ये, आपके ये पुराने दोस्त है आपका सभी हमारे तादी रहे हैं बड़े अच्छे लोग हैं बड़े अच्छे लोग हैं लेकिन ये नवंबर के बाद जाकर फैसले होने हैं

चले ये छह सीटें तो नहीं मिलने वाली आपको नहीं बट ये आपके लिए कितना आसान मैं तो वाकई में सोचता हूँ अगर ये अपना फैसला करने वाले एम एम इस वक्त हैं तो आप पीपल्स पार्टी के लिए तो हाँ, कोई तो मुश्किल नहीं है हाँ, उनको साथ हाँ, लेना बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल कोई कोई मुश्किल नहीं ये तो हैदर आपको आपको इतना अच्छा ऑप्शन बता रहे ऑप्शन उनको ऑफर करें सिंध हुकूमत में शामिल होने का शामिल करें और उनके साथ तहरीरी तहरीरी कर, हाँ। कर, हाँ। कर ले और कोई कुरान हदीस थोड़ी हो जाएगा सर <laughs> नहीं नहीं तो आप पंजाब में ये नून लीग मान लेना तो काफली को चीफ मिनिस्टरशिप दे देते हैं आप सुने कह क्या रहे हैं आप। आपने उनको दो तीन मिनिस्ट्रिया देनी है और चीफ मिनिस्टर पंजाब से मुनासबत दे रहे हैं अपनी कुर्बानी की आप। आपने क्या कुर्बानी एम क्यू एम के लिए कभी दी है आप सी एम शिप थोड़ी दे रहे और उन्हें कह रहे वो पंजाब की सीएम शिप दे दें

तो चौहिस साहब फिर हम हम अब ये हम हम अब ये समझें सर के यहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब कि दो सीटें वापस आई ना ठीक थी। है आसिफ अली जरदारी साहब के सर अरेस्ट अरेस्ट के बाद जो अब सियासत होगी लेकिन उससे एक चीज तो जरूर डिटरमिन होगी कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एज लीडर एज सिंगुलर लीडर उभर के सामने आए हैं वो मेरे ख्याल से उनका पहला चैलेंज होगा कि जब वालिद साहब उनके जेल जाते हैं तो इसका सामना होता है और पहली तारीख अब वो लीड करने जा रहे हैं हाउ डू यू सी हेम एज जो अपना पहला चैलेंज है? किस तरह मीट करेंगे पहला बड़ा चैलेंज नहीं नहीं देखिए उन्होंने हमेशा जितने भी चैलेंजेस अब तक लिए हैं उनको उन्होंने बड़ी अच्छी तरीका मुझे ये बताएं एक ऑनेस्ट ओपिनियन दें

एट अ जेंडा थ्री सिक्सटी तमाम आया ट्विटर हैंडल है एक ब्रेक ब्रेक के बाद जब फिर से आएंगे तो ये जो अखिलियती इतिहादी हैं इनसे बात करेंगे कि ये कितने इतिहादी हैं और क्या ये मंजूर साहब की तीन चार सीटें लेके सिंध के अंदर एम क्यू एम साथ देने को तैयार है ज़ुबैर साहब के ऑफर लेके पी एम एल क्यू और बी एन पी लेने को तैयार है एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक आप देख रहे हैं जिडा थ्री सिक्सटी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे दोनों सबसे बड़ी अपोजिश जमातों से जिनकी पोजीशन ये थी कि इस हुकूमत को गवर्नेंस की अहलीत नहीं है और जो थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी पे आई थी वो पॉपुलैरिटी से भी अब फारि हो चुकी है अपनी पिछले साल की परफॉर्मेंस के अंदर अब हम बात करेंगे उन दो इतहादी जमातों से जिनकी वजह से ये हुकूमत प्रॉप्टअप है एम क्यू एम जिसकी छः सीटें हैं और बी एन पी मैंगुल जिसकी थ्री प्लस वन एक रिज़र्व सीट में ला चार सीटें हैं एम क्यू एम की दो वजारतें हैं एक वजारत ऐसी हैफ़र नसीम साहब की जो कि वो कहते हैं कि ये मुझे एम क्यू एम के uh, की तरफ से नहीं मिली है ये मैं बर रास्त पी टी आई का ही इमरान खान साहब का ही रिप्रजेंटेटिव हूँ तो अगर ये मद्दनज़र रखते हुए समझें तो भी एक वजारत है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो जो खालिद मकबूल सदीकी साहब हेड है, करते हैं कन्वीनर एम क्यू एम भी हैं uh, उसके अलावा बी एन पी जो है उसकी कोई वजारत नहीं है बी एन पी ने इस पी टी आई की हुकूमत को ज्वाइन किया था सिर्फ इस उम्मीद से कि उनके जो नुकात हैं अख्तर मैगल साहब के उनको पूरा किया जाए या उसकी तरफ कम अज़ कम कदम रखा जाए एम क्यू एम से तो हम उनकी राय लेंगे कि उनकी पोजीशन क्या है पहले बी एन पी की जो अख्तर मैगल साहब की अपनी पोजिशन है इस साल की जनवरी में वो आपको दिखा दें पहले जो छः नुकात हैं उनको अगर हम मख्तर आपको बता दें कि बलोचिस्तान के अंदर सारे छुपे हुए और सामने मिलट्री ऑपरेशन जो हैं उनको ख़त्म किया जाए एक्स्ट्रा जुडिशल हिट ऑपरेशन अगर किए जा रहे हैं रियासत की तरफ से उनको ख़त्म किया जाए बलोचों को रिहेबिलिटेट किया जाए एक ट्रूथ एंड रिकनसिलियेशन हो जो मिसिंग पर्सनस हैं जो मिसिंग पर्सनस हैं उनको कोर्ट्स में प्रोड्यूस किया जाए और कमिशंस बिठाई जाएँ उसके अलावा uh, ये कोर्ट्स uh, के अंदर लोग प्रोड्यूस किए जाएँ uh, ये बेसिक पोजिशन हैं कोटा के अंदर जो uh, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके ऊपर एक तफसीली बहस हो पार्लियमान में जाफरी साहब पहला एक इन्होंने पॉइंट मिस कर दिया आपने जो कि होना चाहिए था नंबर वन पे और वो ये होता कि ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं छः इनको करने का इख्तियार आप ले लें बाकी आप छोड़ें कि आप करते हैं या नहीं मैं होता तो ये कंडीशन पहले सिर्फ डालता कि पी टी आई की पोलिटिकल हुकूमत आप सिर्फ ये इखियारात अपने हाथ में ले लें फिर आप ना भी करें पहले आप ये इख्तियार तो ले लें अपने मंगल साहब की राय में ये सिक्स पॉइंट्स प्लस वाली नहीं जो उनके अपने ओरिजिनल सिक्स पॉइंट्स थे उसके ऊपर कितनी कार करते कारकर्दगी हुई साहब तीन मीटिंग के लिए मुझे कॉल किया गया मैं इस्लामाबाद गया के कभी आर्मी चीफ वहाँ पर मौजूद नहीं होते थे कभी वजी अजम मौजूद नहीं होते थे लेकिन उन तीनों मीटिंग के लिए मैं कराची से इस्लामाबाद पहुंचाऊँ या कोटे से इस्लाम आबाद पहुँचा हूँ उसके जिम्मेदार कौन है ये भी हमें बताया हमारे छः नुकात का ताल्लुक है उसमें से अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है अभी मैंने कहा था कि उसमें से एक परसेंट भी उन पर अमल नहीं हुआ अगर हुकूमत खुद गिर रही है तो हम उसको पता नहीं बचा पाएंगे या नहीं पाएंगे जी बी एन पी से अगर शुरू करें जहाजेब जमालदीनी साहब हैं सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के सर आप एक बहुत कलीदी किरदार अदा करने जा रहे हैं इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को मद्दनज़र रखते हुए जहां पर वो लो लाइंग फ्रूट्स की तरह समझ रहे हैं उन इतिहादियों को जो कि नाखुश हैं उनमें से सर फहरस्त आप लोग समझे जा रहे हैं किस तरह की कारकर्दगी समझ रहे हैं इस की इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग डू यू सी योर सेल्फ लिविंग शुक्रिया जनाब बहुत ही नवाजिश पहली बात तो यह है कि जरा नजरे और ज़ुकाम की वजह से पता नहीं मैं जो है ना इतफाक इंसाफ इति, कर पाऊंगा इन आपके जो है ना सवाल से कि नहीं बेसिकली कुछ चीज़ें हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा सिक्स पॉइंट जब हमने जो है ना उस पर एम ओ यू पे साइन किया फर्स्ट जो कोटा में हमने साइन किया उनके भी नुमाइंदे थे हमारे भी नुमाइंदे थे उसमें बेसिकली जो है ना सिक्स पॉइंट में हमने उनसे कमिटमेंट ये लेनी थी कि आप इस पर काम की इब्तदा कर दें इसकी तकमील शायद पाँच सालों में हो चार सालों में हो उसकी हमें परवाह नहीं और उसके बाद जब प्रेजिडेंशल इलेक्शन में हमने ग्यारह पॉइंट्स मजीद खसूस जो है ना बलोचि में जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बलोचस्तान के बेसिक मसायल और तरक्याती काम जो है ना हमने उन्हें पेश किए इन सब पे जो हमारे ज्वाइंट स्टेट में सिग्नेचर हैं, आप अंदाजा करें कि जब से हम दसवें दसवें महीने तक हम मुंतजर रहे हमने अपनी टीमें बना ली उनकी आखिर दम तक टीम नहीं बनी और एक पॉइंट पे भी पेशर नहीं हुई जब मुझे ये बताया जाए कि आपकी हुकूमत में अगर ये कमजोरियां हैं आपकी गिरफ्त कमजोर है आपके पास साइटेड लोग हैं आपके पास जो है ना विजनरी इस तरह की जो नहीं। में आप ये है नहीं तो इससे बेहतर ये नहीं था मदद करते, करते हैं मैं आ, 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 लिसनर्स के लिए व्यूअर्स के लिए इस बात को अगर क्लैरिफाई कर दूँ आपकी जो छः पॉइंट्स थे जो जो कि बलोच पर्सन को प्रोड्यूस किया जाए कोवर्ट एंड ओवर टॉप खत्म किए जाएं, एक्स्ट्रा जुडिशल हेड स्कॉर्ट्स खत्म किए जाएँ उसके अलावा आपने जो ग्यारह इंफ्रास्ट्रक्चरल इंफ्रस्ट्र... पोजिशन रखी थी प्रेजिडेंशल इलेक्शन के वक्त यानी कि छः परसेंट जॉब कोटा हो स्मॉल डांस बनाई जाए इन इन दोनों चीज़ों के अंदर उन छः नुकात पे और ग्यारह इंफ्रास्ट्रक्चरल नुकात पर अभी तक बिसमिल्ला की मीटिंग भी नहीं हुई जी मोहतरम एक पे भी पे पेशरफ नहीं हुई पहली बात तो यह है कि मैं छः नुकात आपको गिवा दूँ बड़ी आसानी आपके लिए होगी सिंपली फर्स्ट नुकता तमाम मिसिंग पर्सन को बाजियाब करवाया जाए पॉइंट उसमें बलूचिस्तान का बलुचि खसूसन जो है ना बिल्कुल प्रोमिनेंटली सामने लाया जाए और ग्वादर पे जो है ना, जो डेमोग्राफिक तब्दीली इम्पेंडिंग डेमोग्राफिक तब्दीली जो होनी है उसको उससे बचा, बचने के की खातिर कानून साजी की जाए एक आपके जो है बिग बलुचि के जो डैम्स है जिसमें से पचास पांच से लेके चालीस मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है उनकी इब्तदा की जाए आप जो ना रिकॉर्डिंग और साइंस एक रिफाइनरी वहीं पे बना दिया जाए ताकि हमारे सामने गोल्ड एंड कापर उनकी जो है ना बेफरकेशन हो और हमें पता चले कि कितनी चीज़ें पैदा होती हैं और साथ ही सिक्स परसेंट जो अपना कोटा है फेडरल सब्जेक्ट में उसे ऑनर किया जाए और लास्टली कि अफगान महाजरीन जो हमारे भाई हैं नहायती काबिल कदर हैं उनको इज्जत और तो से वापस लेकिन थोड़ा सा पर्ण मासूमाना आपका ये अग्रीमेंट है मेरे ख्याल से तो क्योंकि इसमें बहु तो बहुत सारे नुकात ऐसे हैं जिसका मेरे ख्याल से पी टी आई के इखियार में ही नहीं है ये तो चीजें अगर आप ये समझते हैं कि पी टी आई के इख्तियार में तो मुझे बताए आपके ख्याल से प्रॉब्लम उनकी नीयत की है या उनकी मजबूरी की है देखिये बहुत पहली बात तो यह है कि अगर मेरे से मुआदा पीटीआई ने किया है वो तो वो सब मैं सही आपके से मजबूर ना ही नहीं है, है। नीयत नहीं, 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 तो नहीं, नहीं है की मीटिंग नहीं की है तो सर व्हाट डज इट टेक आप इस हुकूमत को छोड़ देंगे मेरे भाई जब नियत नहीं होगी मैं तो उन्हें मौका दे रहा हूँ एक साल का कि आप एक साल में इसकी इब्तदा कर दें जब आप कोई काम उसकी इब्तदा भी नहीं कर सकते और मेरे से कमिटमेंट करते हैं रिटर्न और फिर आप मुझे जो ना बिल्कुल इस हद तक फैसिलिटे फैसिलिटेट नहीं करते कि एक रिटोरिक होती है एक बात, मतलब बात भी नहीं पेश की जाती है हाँ।

एक क्या पे मजबूत की आदत मौजूद है पहले जो है ना हम पे प्रेशर था कि आप इस हुकूमत को जो है ना जब आपके साथ जो है ना बात करने पर राजी नहीं है आपके डिमांड ऑनर करने पर राजी नहीं है तो बेहतर ये होगा कि आप हुकूमत से अलग हो जाए हमने तो उन्हें जो है ना एक साल का मौका दिया है

जो बलूचिस्तान तो इन्हें इस तकबे के लिहाज से जो आप समझे कि 50 ऑफ पाकिस्तान है उसके लिए तो स्पेशल प्रोविजन होनी चाहिए अब मुझे समझ आ गई है? है क्योंकि आप ये टीवी पे ही नहीं फैसला कर पा रहे कि आप कब ये हुकूमत छोड़ेंगे बजट पे वोट देंगे या नहीं देंगे आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे आप तो सिर्फ अपनी ग्रीविन बता रहे हैं नहीं नहीं आप सुन रहे मेरे ख्याल में शायद गले की खराबी की वजह से मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ मेरे भाई इस बजट में अगर मेरे ग्रीवें दूर नहीं करते तो तो आप हाँ वो नहीं, नहीं करते अगर मैं पे आजाद अच्छा बेंचों में बैठ जाऊंगा सर खत्म चले थैंक यू वेरी मच हम अगर एम क्यू एम की तरफ आ जाए बड़ी एक जूसी पीस ऑफ दू एम पीपल्स पार्टी अगर आपको आ, सिंध हुकूमत के अंदर कुछ कुछ पेशकश करती है आ, या फिर उस पेशकश की भी ज़रूरत है पीटीआई से आप कितने खुश हैं बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो मैं ये तस्ह कर दूं कि अराकी ने कौमी असम्बली एम क्यू एम के तक सात हैं और फ़रो नसीम साहब जो हैं वो एम क्यू एम के टिकट के ऊपर सेनेटर मंतख हुए हैं और वो एम क्यू एम के सैनिटर हैं और एम क्यू एम की जो 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 वजारत है वो एम क्यू एम की वजह से उनको दी गई है, है। अच्छा जहाँ तक सूबा सिंध में हुकूमत साजी का ताल्लुक है तो जनाब आप इस बात के गवाह हैं कि गुजा अदवार में हमने पीपल्स पार्टी का सिंध में भी और वफाक में भी साथ दिया लेकिन उसके बदले हमें ये मिला कि यहाँ पर जो है लाशें मिलती रहीं यहाँ पर रोज़गार से शहरी सिंध के लोग जो है महरूम होते रहे यहाँ पर ज़्यादतियों के सिलसिले तवातुर के साथ जारी रहे तो इस सूरत हाल में ये फ़ैसला करना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं कि किसी भी बुनियाद पर हम जो है इन हालात में कि दस साल में में जो शहरी सिंध के साथ और शहरी सिंध की जमातों के साथ जो ज़्यादतियाँ की गई हैं उसके बाद तो मेरा ख्याल ये हमारा नहीं है? बनता कि हम जो है उनसे हाथ मिलाएं। पीटीआई से आप खुश और नाखुशी की बात नहीं इस खुशी और नाखुशी की बात नहीं है इस वक्त हमें ये देखना है कि हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है मुल्क की सालमियत कहाँ खड़ी है क्या इस मुल्क की बका के लिए अगर आज हमारे साथ पी टी आई कम से कम इस सोच पर तो जरूर है कि वो हमारी बात सुनती है और वो ये सोचती है और ये समझती है और इस बात का इकरार करती है कि शहरी सिंध के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं गुज्त अदवार में शहरी सिंध के मसाइल को हल होना चाहिए शहरी सिंध का मसला सिर्फ़ कराची का मसला नहीं है ये मसला पूरे पाकिस्तान का मसला है अगर ये कराची शहर जो है वो सबको सब कुछ देता है इस पूरे पाकिस्तान को तो अभी हम सब ने मिलकर चाहे वो पीटीआई की क्या हो चाहे वो दीगर अपोजिशन की जमातें हो उन सबको इस वक्त ये सोचना होगा कि मुल्क की सालमियत के लिए उन्हें एक पेज पर आना होगा और फिर उसके बाद उसके बाद फिर हम अपनी तो सियासत भी कर सकते हैं और हम पार्टी अपनी चीजों की, की राय बिल्कुल वही है जो आप बता रहे हैं दो राय भी हैं क्योंकि सुनते हैं कि एक धड़ा जो है यानी कि कोई धड़ा बनंदी है लेकिन एक सोच ये भी है आपकी कमेटी में कि तहरीक इंसाफ ने अगर ये पैकेज जो कराची का है अगर ये अमल में नहीं ला सकी तो आप ये हुकूमत छोड़ सकते हैं लेकिन आप बहुत क्लियर हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाने वाले नहीं, चले आपके माद में पी टी आई के साथ ही रहेंगे आप इस, इस हुकूमत को छोड़ सकते हैं या नहीं देखिए ये दे, तो नहीं कह रहे हैं मेरा मेरा मौक़ यह है कि इख्तिलाफ राय इख्लाफ़ राय हमारा पी टी आई से भी हो सकता है जो हमारा निकाती नौनिकातीदा है उस पर हमारी बातचीत उनसे होती रहती है उसमें सदर ममल्खा साहब से भी होती है वज़ी अजम साहब से भी होती है और वो इस चीज़ पर आ, एग्री करते हैं कि जी यकीनन ये मसाइल बेसिक मसाइल हैं शहर के मसाइल हैं शहर के लोगों के मसाइल हैं इनका हल निकलना चाहिए और ये कोई एक कुरानी सहीफा नहीं है कि अगर मैं ये कह दूं कि अगर हमारे मुतालबात पूरे न हुए लेकिन उन मुतालबात के साथ साथ मुझे मुल्क सालमियत भी अजीज है उन मुतालबात के साथ साथ मेरे मुल्क की मैशत भी मुझे अजीज है उन मुतालबात के साथ साथ तो मुझे जो तो दीगर, दी, दीगर मामला देखिए जो अगर अगर मिसाल के तौर पर अगर हम हम इस चीज को जो एज्यूम कर लेते हैं कि अगर उस बजट में पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी चीज सामने आई तो क्या आप एम क्यू एम जैसी मुहब वतन जमात से ये तो रख सकते हैं कि, क्या बात है वो नहीं साथ नहीं देगी। नहीं नहीं ये, बा, मुझे समझाएं मुल्क को क्या खतरा है देखिए इस वक्त मुल्की सालमियत के ऊपर आपका आपका राइट लेफ्ट साउथ ईस्ट सब जगह से आपकी मुल्की सालमियत के ऊपर हमले हो रहे हैं आपकी मीशत जो है इस वक्त तबाही और बर्बादी के किनारे दहाने पर खड़ी हुई है आपको अंदरूनी और बैरूनी खतरा जो है वो लाख है कल वजीरिस्तान में क्या हुआ है कि हमारी हमारी फोर्सिस के ऊपर कौन सा खतरा है इंटरनल सर खुदा खास्ता हमारे जो फौजी शहीद हुए हैं कल जिनके लिए हम सब दुआ गए हैं उनकी शहादतों से आप क्या देख रहे हैं कि मुल्क की सालमियत को खतरा है यकीन ये इतना बड़ा वाकया है ये कोई छोटा वाक नहीं है कि वो सिक्योरिटी इधारे सालमियत के ऊपर मुल्क की सालमियत के लिए और लिहाजा आप देखिए इस मुल्क की एक एक जुमला मैं अदा कर दूं यहां पर इस मुल्क की सालमियत के लिए और पुराने चोरों और डाकुओं से इस मुल्क का जो भी पैसा जो भी मामला उन्होंने किए हैं उसका हिसाब किताब लेने के लिए हमें एक कड़वे घूंट को ज़रूर पीना पड़ेगा मैं आपके सामने ये बात कहता हूँ कि मुतदा कौमी तो गुज्तर तीस साल से पैंतीस साल से जो है वो असम्बली की रुकनीत हासिल करती रही है असम्बली में रही ज़ा है, है पीटीआई अगला, अगला के जो सेंट्रल रैंकर्स है वो इस तरह की बातें करते हैं ठीक है लेकिन आप लोगों ने मेरा आप मेरा आप मेरा अगला जुमला भी सुन लीजिए ना मैं जो आपसे कहना चाह रहा था वो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आज जो है इन हालात में कि जिस वक्त तुम मुल्क मुल्क माशी दबाव में हो मुल्क के ऊपर बैरूनी क्या उसमें हम ये तो रख सकते हैं कि हम यकीन वो हमारे मसाइल अपनी जगह इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और मैं ये भी कहता हूं कि ये कोई मनोहन ये बात नहीं है कि हमने नहीं छोड़ना मुल्क, या मुल्क, लेकिन के नहीं था मुल्क को उस वक्त सलामती के खतरे नहीं थे उस वक्त दो हजार ग्यारह बारह तेरह में इससे ज्यादा बड़े मसाइल थे इससे ज्यादा लहर दहशत गर्दी की थी इससे ज्यादा बुरे माशी हालात थे जब आप पीपल्स पार्टी को एट द ड्रॉप ऑफ छोड़ते थे साथ देते थे छोड़ते थे साथ देते थे तो माजरत के साथ ये एक्सक्यूज मुझे मुझे समझ नहीं आ रही एक ऐसी जमात के बारे में जिसने आपकी बर रास्त को हिट किया है ये ये यकी हमारा माजी था और अब अब माजी को दफन करके हम जो है बाईस अगस्त के बाद जो है हम एक ठीक है सर थैंक यू आपका आपका जो मुस्तबल है वो बहुत रोशन है सर बहुत शुक्रिया कादरी साहब जमाल जमालदीनी साहब आपका आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फेसबुक डॉट कॉम साइट थ्री सिक्सटी पर आप अपनी राय दें एट एजेंडा थ्री सिक्सटी समा पे हमारा ट्विटर हैंडल है हम इस शो की सुर्खियाँ भी वहाँ पर अपलोड करेंगे उस पर भी राय दें इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमे के रोज़ आठ बज के पाँच मिनट फिर हजार